चलो, तो अभी हम लोग क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ पोर्शन को कवर करेंगे, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 से, ठीक है। क्लास 9 की कुछ बेसिक बातें बात करूँगा कि कोऑर्डिनेट्स पे कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ऑल्दो मैंने नॉर्मल क्लास में आपके ऑफलाइन क्लासेस में मैंने सारी चीज़ें बता चुका हूँ, राइट। लेकिन फिर भी एक बार 5 मिनट में रिकैप करते हुए क्लास 10th के डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह में हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो आई थिंक आप सभी लोग मस्ती कर रहे हो, अच्छे दिन चल रहे होंगे आपके, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अभी काफ़ी मैं कुछ बेसिक्स एक दो बात छोटे छोटे बता देता हूँ, बस बताऊँगा तो उसको समझ लेने का है ना। इसे हम लोग बोलो क्या कहते हैं जी, एक्स एक्सिस, राइट। बोलो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, ठीक है। क्या ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हमारा बोलो क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हमारा बोलो पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारा बोलो नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये क्या है, ओरिजिन, राइट। और जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है उसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, बोलो क्या जी, 0,0। कोई भी डाउट। अब यहाँ पे देखो, इसे हम एक्स एक्सिस का बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे लिखूंगा मैं -1, -2, -3, -4। ये हो गया 1, 2, 3, 4, ऊपर चलता चलेगा, -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। ये हमारा बोलो क्या हो गया, ओरिजिन 0,0। अब एक बात को समझेंगे जरा सा, कि अब यहां पे कोई अगर आपको कह देता है 2,3, राइट, इसे अगर आपको प्लॉट करना है तो बहुत ही सिंपल सी और बेसिक सी बात है इसमें, राइट। ये हमेशा अगर 2,3 ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐसे आप मन में लिख लो, राइट। एक्स कॉमा वाई, बोलो एक्स में कितना है, 2, राइट। एक्स में कितना है, 2। तो एक्स में अगर 2 है तो यहां से बोलो एक्स में कितना चलेंगे, 1, 2। एक्स में 2 चल गए, बस, ठीक है, स्टॉप हो जाओ यहां पे थोड़ी देर के लिए। अब बोलो वाई में कितना चलना है जी, 3। तो वाई में कितने स्टेप चल जाओ, 1, 2, 3। सिंपल सी बात है भाई, ये है हमारा बोलो क्या, 2,3। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने का है, राइट। एक्स में चलना था 2, मैं चला 2। वाई में चलना था 3, मैं चला 3। सिंपल सी बात है, इसको प्लॉट करने का तरीका है, राइट। तो ये 2,3 कोऑर्डिनेट है हमारा, राइट। उसके बाद अगर कोई आपको कहता है कि -1,3 को प्लॉट करो, राइट, फिर से बोलो एक्स की प्लेस पे कितनी है, -1। समझ में आ रहा है टेंथ वालों, प्यारे बुद्धू, राइट। ये देखो एक्स की प्लेस पे बोलो क्या है, -1। तो यहां पे बोलो एक्स में क्या हो गया, -1। वाई में बोलो कितना है, +3। अगर +3 है तो किधर जाएंगे, ऊपर, राइट, सीधा ऊपर नहीं, यहीं पे ऊपर, राइट। तो ये हो गया वाई में +3। ये देखो एक्स में बोलो कितना गया, -1 गया, वाई में +3, राइट। तो कहां जाएंगे, ऊपर गया मैं ऊपर, तो बोलो कितना गया, -1,3। सिंपल सी बात है भाई, राइट। नाउ अगर और मैं देखूं, एक और मैं प्लॉट कर देता हूं, लेट सपोज किसी ने बोल दिया मेरे को -2,-3 प्लॉट करने का, -2,-3। एक्स की प्लेस पे बोलो गया -2, एक्स में बोलो कितना जाएंगे जी, -2, -1, -2। उसके बाद बोलो गया वाई में -3, अगर वाई में -3 जाना है तो भाई चलो वाई में -1, -2, -3। अगर माइनस है तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको, नीचे जाना पड़ेगा, राइट। तो मैं किधर में गया, बोलो नीचे। नाउ अगर मैं इसको थोड़ा ठीक से देखूं तो ये बोलो कितना हो जाएगा, -2,-3, राइट। अच्छा अगर मैं एक और आपको पॉइंट दे दूं, यहाँ पे कुछ ऐसा 3,-4, यानी मेरे को x की प्लेस पे बोलो क्या है जी, 3। तो x की प्लेस पे 3 है तो 1, 2, 3। y -4, y -4 है तो बताओ इधर से, राइट, -4 किधर जाएंगे हम लोग, नीचे। तो अगर मैं नीचे जाऊंगा तो देखो -1, -2, -3, -4 बराबर है। तो ये हो गया बोलो कितना जी, 3,-4, राइट।
तो ये पॉइंट्स को प्लॉट करने का क्या सिंपल सा तरीका है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने का है, राइट। और पता है ये जो 2.3 ये जहां पे लाई कर रही है पूरी क्वाड्रेंट को, राइट, टोटल इसमें चार क्वाड्रेंट है, ये पूरे इस क्वाड्रेंट को बोलो हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम लोग बोलो क्या बोलेंगे जी, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसे बोलो मैं क्या बोलूंगा जी, थर्ड क्वाड्रेंट। इसे मैं क्या बोलूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो याद रखने का, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। थोड़ा सा जल्दी कभी कभी क्वेश्चन करने के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होगा, दोनों कोऑर्डिनेट्स बराबर है पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स नेगेटिव होगा, वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बोलो क्या हो जाएगा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो इतना याद रखने, बस इतना याद रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव आए तो एक बार चेक करके अपना क्वाड्रेंट को डिसाइड कर लेंगे। चलो तो ये बातें हो गई। नाउ अगर मान लो कोई आपको ऐसा दे देता है 3.0, अब ये देख के अजीब लग रहा है भाई, 3.0, राइट। मैं बहुत सारे एग्जांपल में 3 ले रहा हूं, तो ऐसा ना लगे कि सर 3 ही बार बार क्यों ले रहे, ये लो मैं 2 ले लेता हूं, 2.0, राइट। अब बोलो x की प्लेस पे क्या है जी, 2। तो x पे जाऊंगा मैं 2, कितना गया 1, 2, तो मैं कहां पहुंच गया जी, यहां पे पहुंच गया। y में बोलो कितना जाना है, 0, y में 0 जाना है, मतलब जाना ही नहीं है y में, y में कितना जाना है, 0, y में जाना ही नहीं है, राइट। y में कुछ है ही नहीं, अगर y में कुछ है ही नहीं तो मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, अरे कहीं नहीं जाऊंगा तो मैं यहीं पे रह जाऊंगा, राइट। तो ये वाली कोऑर्डिनेट बोलो कितना हो जाएगा, 2.0, राइट। तो इस बात को समझना है कि ये केवल बोल रहा है कि x में 2 है, y में कुछ है ही नहीं। अरे y में कब होगा कुछ, जब हम ऊपर कुछ जाएंगे या कुछ नीचे जाएंगे तब तो y में कुछ आएगा, लेकिन अभी तो ना ऊपर जा रहा हूं ना मैं नीचे जा रहा हूं, तो y में कुछ होगा ही नहीं, राइट। तो ये बोलो कितना हो गया जी, 2.0, राइट। चलो बच्चों अब थोड़ा और एक बार बता दो, -1.0, अब ये देख के आपको पता चल रहा होगा, -1.0, बोलो x में कितना जाना है, -1, y में कितना जाना है, जाना ही नहीं है, y में कितना जाना है, जाना ही नहीं है, जीरो है। अगर जीरो है तो बोलो कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, राइट। अब एक बात को समझो, तो ये हो गया -1.0। नाउ लेट सपोज अगर कोई आपसे ऐसा पूछ देता है 0.4, 0.4 एक्स की प्लेस पे बोलोगे आप, 0, एक्स में मतलब जाना ही नहीं है, एक्स में मेरे को जाना ही नहीं है, अब मेरे को नहीं पता, राइट। तो एक्स में 0 बोलो कहां पे, यहां पे है, एक्स में देखो यहां पे 0 है, राइट। तो मैं यहां पे हूं, एक्स में 0 है, ना मैं इधर ओरिजिन के इधर जाऊंगा ना मैं ओरिजिन के इधर जाऊंगा, एक्स में 0 है। वाई में बोलो कितना है, 4, अगर y में 4 है इसका मतलब जाना कितना है, y में कितना जाना है, 4 जाना है, तो 1, 2, 3, 4, x में 0 था तो यहीं पर रहूंगा, y में 4 जाना है तो मैं गया 4, बोलो ये कितना हो जाएगा जी, 0.4। किसी को भी कोई डाउट है तो मेरे को अभी कभी समझा दो। तो y में बोलो कितना हो गया, 4, तो टोटल ये कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो गया, 0.4। अगर कोई आपसे ये बोल देता है 0.-2, बोलो x में कितना, 0, तो यहाँ पे y में कितना, -2, तो यहाँ पे बोलो ये 0.-2 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो ये पॉइंट बोलो क्या हो गया, 0.-2। तो एक बात मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, इसको लिखना है, लिखना है, लिख लिख लिख, ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0, ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0, राइट। ऑन y एक्सिस, दूसरा एक लाइन छोड़ के लिखना है, राइट, एक लाइन छोड़ के लिखना है, ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0। y एक्सिस पे पूरा का पूरा चल जा, हमेशा तेरे को x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी, देखो यहां पे, राइट, x कोऑर्डिनेट 0.4, यहां पे आओगे तो 0.3, इस पॉइंट पे 0.2, राइट। तो इसका एक्चुअल जो 1, 2, 3 मैंने लिखा है वो जस्ट आसान तरीके से लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, 0.2 है, ये 0.3 है, 0.4 है, 0.1 है, पता चल रहा है क्या। और ये बोलो क्या है, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, राइट। तो ये x में है, x में हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, राइट, और y में क्या होगा हमेशा, x कोऑर्डिनेट 0। तो ये सिंपल से बोलो क्या है, बात है, ठीक। तो ये बातें होगी। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपसे कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसा कर देता है,
एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, ऐसा अगर उसने कभी लिख दिया, राइट। कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप पढ़ते हो तो कोई आपको अगर ऐसा दे दे एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक्स इक्वल्स टू माइनस टू दे दिया था, एक बात बताओ उसने वाई के बारे में यहां पे कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं, वाई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया कि वाई जीरो है कि वाई वन है कि वाई टू है कि वाई थ्री है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यहां पे वाई के बारे में। अब लेकिन एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि एक्स बोलो कितना है माइनस टू है, और फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है, बात समझ रहे हो क्या, एक्स के बारे में फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है कि एक्स की वैल्यू माइनस टू है, लेकिन वाई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर वाई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वाई कुछ भी हो सकता है, एक्स फिक्स होगा। इन दिस केस एक्स इक्वल्स टू माइनस टू एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, सोचना जरा सा कैसा लाइन होगा वो। वाई के बारे में हमारे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन एक्स के बारे में फुल्ली इंफॉर्मेशन है, राइट। तो इस बात को देखना जरा सा, इस बात को समझने की कोशिश करना। अभी देखो ये एक लाइन समझ में आ रही है आपको, ये लाइन समझ में आ रही है, ये जो लाइन है वो x इक्वल्स टू माइनस टू पे है कि नहीं है, हमेशा देखो, राइट, हमेशा ये आप देखने की कोशिश करोगे, बराबर है। x इक्वल्स टू इस लाइन पे x इक्वल्स टू माइनस टू है, यहां पे आ जाओ आप, यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ तो देखोगे क्या दिखेगा मेरे को, x की वैल्यू माइनस टू, y की वैल्यू बोलो कितनी है, मान लो माइनस थ्री। यहां पे आ जाओ, x की वैल्यू बोलो कितनी है जी, माइनस टू, y की वैल्यू कितनी है, माइनस टू। यहाँ पे बोलो x की वैल्यू माइनस टू, y की वैल्यू टू, x की वैल्यू माइनस टू, y की वैल्यू थ्री, कहीं पे भी x चेंज हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, x यहाँ पे कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है, चाहे कोई भी यहाँ पे सिचुएशन आ जाए, इस लाइन पे कभी भी x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अगर इस लाइन पे कभी x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो x इक्वल्स टू माइनस टू एक स्ट्रेट लाइन है, और ये वाली लाइन है तो इस लाइन की जो इक्वेशन है, या मैं बोलो क्या बोल दूंगा, x इक्वल्स टू माइनस टू। क्लैरिटी है क्या, 100% क्लियर होनी चाहिए ये, x इक्वल्स टू माइनस टू। अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को पीछे ले जाओ और समझने की कोशिश करो, ठीक। चलो एक और इसी तरह से एग्जांपल करेंगे, जल्दी से खुद से कोशिश करो। y इक्वल्स टू टू, y इक्वल्स टू टू, y इक्वल्स टू टू के लिए जल्दी से कोशिश करो फटोफट कि y इक्वल्स टू टू कहां पे होगा, कैसा लाइन होगा। अगर मान लो मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू टू, क्या कोई इंफॉर्मेशन है मेरे पे यहां पे x का, नहीं है। y इक्वल्स टू टू, y हमेशा बोलो क्या है जी, एक फिक्स वैल्यू है, दैट इज 2। x के बारे में मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा मेरे को y इक्वल्स टू टू, बोलो वो कहां पे आएगा y इक्वल्स टू टू, उसको चलो फाइंड करने की कोशिश हम लोग करते हैं। थोड़ा इसी में मैं लेजी बंदा हूं, राइट। चलो y इक्वल्स टू टू, ऐसा एक लाइन जहां पे y की वैल्यू हमेशा बोलो क्या होगी जी, 2 होगी। तो नाउ इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखो, जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखो, राइट। हमेशा देखो यहां पे इस कोऑर्डिनेट की बताओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या है जी, x की वैल्यू माइनस फोर है, y की वैल्यू कितनी है, 2। देखो यहां पे, अरे x में माइनस फोर चला, अरे y में तो 2 ही चला ना, राइट। यहां पे देखो x में कितना चला जी, 2, y में कितना चला, 2, x में कितना चला, 3, y में कितना चला, 2, x में कितना चला, 4, y में कितना चला, 2। एट एवरी पॉइंट, राइट, आप ये बात देख सकते हो कि y की भी वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही है। अगर y की वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही है तो यही y इक्वल्स टू 2 की क्या है, लाइन है, बराबर है क्या। तो y इक्वल्स टू 2 को अगर कोई आपको बोलता है रिप्रेजेंट करने के लिए तो आपको ऐसा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अगर कोई आपको कह देता है x इक्वल्स टू 0, समझ में आना, समझना, x इक्वल्स टू 0 कोई बोल देता है, मतलब x की वैल्यू एक ऐसी लाइन है जहां पे x की वैल्यू हमेशा बोलो क्या है, 0 है, y चेंज हो सकता है लेकिन x कभी 0 से चेंज नहीं होगा, वो कौन सी लाइन है, राइट। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 देखो इस लाइन पे है, y एक्सिस को थोड़ा ध्यान से देखो, y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 है, 0.4 है, इसको देखो 0.3 है, 0.2 है, 0.-1 है, 0.0, 0.-1, 0.-2, 0.-3, इस पूरी y एक्सिस पे
एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो है, इसीलिए वाई इक्वल्स टू जीरो ही तो वाई एक्सिस, स्टार करके नोट करेंगे कर, नहीं तो अभी मैं आ जाऊंगा, जिसका नोटबुक देखा ना अगर, राइट बराबर है क्या? एक्स इक्वल्स टू जीरो वो बोलो क्या है, वाई एक्सिस होगा, एक्स इक्वल्स टू जीरो किसका इक्वेशन है, वाई एक्सिस का है, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट नहीं सब दिमाग से निकल जाएगा। वाई एक्स इक्वल्स टू जीरो बोलो कौन सा है, वाई एक्सिस है। नो एक और बात समझो, अगर मैंने बोल दिया वाई इक्वल्स टू जीरो, कौन से एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा जीरो है, कौन सा वो एक्सिस है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, वाई की वैल्यू हमेशा बोलो कौन से एक्सिस पे जीरो होगा, एक्स पे, राइट। अरे यहां पे देख ले ये 2.0 होगा, अरे वाई में गया क्या ये पॉइंट कहीं, नहीं गया, 3.0 4.0 5.0 -1.0 -2.0 कहीं पे भी ये चेंज नहीं हो रहा है, राइट। अगर ये कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है तो y इक्वल्स टू जीरो बोलो किसकी इक्वेशन होगी, x एक्सिस की इक्वेशन होगी। अब ये बात तो मैं नहीं बोलूंगा, ये याद रखना है तुम्हारे को हमेशा के लिए, राइट। तो आई थिंक कि इतनी सारी बातें ये समझ में आ गई होगी आपको, राइट। अगर ये बातें समझ में आ गई तो आप हमेशा से डायरेक्टली एक बात बोल सकते हो, y इक्वल्स टू c, x इक्वल्स टू c, इसका मतलब है यहाँ पे जो लाइन बनेगा डेट लाइन विल बी, सबको नोट करना है, x इक्वल्स टू c, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस करके देखना, c की प्लेस पे 1, 2, 3 -1, -5 कुछ भी डाल कर चेक कर लेना, राइट। आपको किसके पैरेलल मिलेगा, y एक्सिस के, y इक्वल्स टू c किसके पैरेलल मिलेगा जी, राइट x एक्सिस के। ये डाल के टेस्ट करेंगे, एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्पल अपने घर पे बैठ के करेंगे, x इक्वल्स टू -2 y इक्वल्स टू 7 करेंगे तो आपको मिलेगा वो लाइन हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, इसको चेक करेंगे, ठीक है। चलो तो ये बातें हो गई, ये जो बातें थी वो क्लास 9th का बेसिक बातें थी, राइट। ये क्लास 10th का नहीं है, ये 9th का है, बट ये जानना आपके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था, बराबर है क्या। नाउ अब थोड़ा सा क्लास 10 में एंट्री करने की कोशिश करेंगे, सभी लोग अपने नोटबुक के सबसे ऊपर वाले पेज के सबसे मतलब हेडिंग में लिखो, राइट, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला, अब डिस्टेंस फॉर्मूला पे मैं डायरेक्टली जाऊं, उससे पहले मैं एक दो छोटे 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 सवाल करेंगे हम लोग, फिर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक। नाउ समझने की कोशिश करो, ये बोलो क्या है, वाई एक्सिस है, ये बोलो क्या है, एक्स एक्सिस है, राइट। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। नाउ मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा एक बात जानते हो, इसका आगे 7 भी आता है, मेरे को लिखने का मन नहीं कर रहा इसलिए नहीं लिख रहा, राइट। ये बात का ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि ये 6 तक ही आता है, ठीक है। एक्स एक्सिस बराबर है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, और ये हमेशा इनकी बीच की गैप क्या होती है, सेम होती है। मेरा नहीं है इसका मतलब कि मेरा नहीं है, राइट, तुम रखोगे, ठीक है। -1, -2, -3, -4 राइट, -5 बच्चों मन के एकदम सच्चे नहीं, राइट। -6 समझ में आ रहा होगा, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लियर है। नाउ अब इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, अच्छा यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे, राइट। ये बोलो मैंने कैसा लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एक्स है, एक्स का ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये बोलो क्या होगा, नेगेटिव में होगा, होगा कि नहीं होगा, छोड़ना देना, अभी मैं छोड़ रहा था, बराबर है। चलो तो ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नेगेटिव में आ गया। अब मैंने इन सारे पॉइंट्स को रख दिया, अब मैं एक आपसे ना सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, राइट। लिखेंगे सभी लोग, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -2.3 एंड 3.3। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -2.3 एंड 3.3। इसके डिस्टेंस को आप फाइंड करने की क्या करेंगे जी, कोशिश करेंगे। तो जरा सा एक बार कोशिश करो,
कोशिश करने से थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। तो इसकी कोशिश जब आप करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, -2.3 को क्या करेंगे जी, प्लॉट करेंगे। तो x में बोलो, यहाँ पे x बोलो कितनी है जी, x कोऑर्डिनेट -2, ये चला -2। बोलो ये y कोऑर्डिनेट कितनी है जी, 3। तो -2 x में चलना है, y में कितना चलना है जी, 3 चला। यहाँ पे बोलो, ये बोलो क्या बन गया, -2.3। अब दूसरा कोऑर्डिनेट देखो 3.3, एक्स में कितना चलना है, 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, बराबर गया। तो इधर से इधर चलूंगा तो बोलो कितना हो गया, 3। तो ये बोलो क्या हो गया, 3.3। नाउ अब एक बात को समझने की कोशिश करो जरा, अब ये हो गया -2.3, ये हो गया 3.3। अब मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या करो, डिस्टेंस बताओ। अच्छा थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये दोनों पॉइंट के बीच में एक मैं ये लाइन ड्रॉ करता, ये लाइन कंप्लीटली बोलो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। बोलो कंप्लीटली क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो अब इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो बोलो 1 यूनिट, यहाँ से देखो -2 से था, यहाँ पर मैं काउंटिंग शुरू करता हूँ, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 1 5 यूनिट। फिर से ध्यान से देखो, ओवरऑल हमारे को अगर -2 से लेकर के 3 के बीच का मैं डिस्टेंस निकाल दूं तो भी तो डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि सेम पैरेलल है, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है बोलो कितना है जी, 5 यूनिट। बोलो कितना है जी, 5 यूनिट। किसी को कोई डाउट, राइट। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 यूनिट। नाउ एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन राइट -3.2 बराबर है एंड 5.2 -3.2 एंड 5.2, राइट। चलो भाई नहीं, इसमें थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, -3.2 और यहाँ पे लिख देता हूँ -3.2, ठीक है। नहीं नहीं कुछ गलत लिख रहा हूँ, एक सेकंड दे दो, -3.2 और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ -3.5। चलो अब इन दोनों पॉइंट्स का क्या करना है आपको, डिस्टेंस निकालने का है, राइट। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले बोलो -3 किधर होगा, इधर होगा, राइट। तो ये बोलो क्या हो गया आप, -3 यहाँ पे, और बोलो y में कितना जानेगा जी, 2, 1, 2। उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से दिखे उसके लिए मैं कुछ राइट, अभी देखो मैं कुछ जादू करूँगा और मेरे जादू से ये सब क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, राइट। हो गया गायब, अब देखना मैं फिर जादू करके कुछ कुछ चीज़ें उसके वापस ला दूँगा, देखा मेरा जादू, राइट। एज यूजुअल बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं इन बिटवीन, हाँ चलो ना। अब यहाँ पर देखो, अब बोलो पॉइंट क्या है, -3.2, तो ये बोलो क्या हो गया, -3.2 के लिए मैं बोलो मैं कहाँ जाऊँगा, ऊपर। अब यहाँ पे देखो -3.5, -3 यहाँ पे है और 5 बोलो कहाँ पे जाएगा, ऊपर, ठीक। तो यहाँ पे ये 3rd यूनिट 4th यूनिट 5th यूनिट, तो जस्ट इसी के ऊपर हमारे को मिलेगा, ये बोलो -3.2 है और ये बोलो क्या है, -3.5 है। अब इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो एग्जैक्ट ऑन स्ट्रेट लाइन पर आ जाएगा, तो कितने यूनिट। नाउ देखो अभी हम ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से 3 1 यूनिट 3 से 4 2 यूनिट एंड 1 मोर यूनिट, टोटल बोलो कितना हो गया, 3 यूनिट। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बोलो कितना है जी, 3 यूनिट। काउंट करके देख लो, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा जी, 3 यूनिट। तो ये जो डिस्टेंस निकालने का मेथड है ये आप मैनुअली तभी निकाल सकते हो, राइट, जब आपका कोई एक कोऑर्डिनेट बोलो क्या है, सेम है। इधर का देखो y कोऑर्डिनेट क्या था, 3, और इधर का भी y कोऑर्डिनेट बोला गया था 3। इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, देखोगे तो आपको ये बात पता चलेगा कि दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है तो डिस्टेंस निकालना आसान है। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, उंगलियों पे काउंट कर सकते हो बहुत ही नॉर्मली, राइट। इनका देखो दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, इनका डिस्टेंस को आप निकाल सकते हो, राइट। लेकिन अगर दोनों के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं, राइट, एक का कोऑर्डिनेट मान लो -2.1 है और दूसरे का 1.10 है, अब दोनों में से किसी भी कोऑर्डिनेट, दोनों पॉइंट में से किसी का भी कोऑर्डिनेट कोई सेम नहीं है, अब ऐसे कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे को क्या यूज करना पड़ता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ से मैं देखता हूँ, इफ पॉसिबल हो तो इसी वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बनाऊंगा, राइट। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में
अभी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल करके सिखाऊंगा, प्रूफ करूंगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और उसमें एक डिस्टेंस फॉर्मूला को क्या करेंगे जी, सीखेंगे। चलो बाय बाय।